अच्छा नाजरीन, आज हमारे हम हमारे साथ मौजूद हैं सैलाब, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आए उसे जानते हैं कि उसको क्या मुश्किल पेश हैं और घर में उसके लिए क्या क्या मतलब किस चीज़ की। मतलब खाने पीने के लिए आपको मुश्किल पेश है, आपका बेटा भी बीमार है। अच्छा, और क्या आपकी एक जो बेटी थी उसका कमर भी टूटा हुआ है, मतलब इसी तरह बहुत सारी मुश्किल आपको दरपेश है। मतलब अब ये जो मतलब अमीर हजरात हैं जो जली हुकूमत, उसे अभी अपील कर रहा है कि मेरे साथ इमदाद की जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार सकूँ। एक इंतहाई गरीब बंदा सैयद आफ के घर हमारी आज आमद हुई है। नाजरीन, सैयद आफ एक ऐसा बंदा है जिस पर मैं पहले एक कालम लिख चुका हूँ, जिस पर जैली इंतज़ामिया हरकत में आई थी और उसने उस वक्त के डीसी जनाब नजीब साहब ने इस बंदे को अपने पास बुलाया था, लेकिन बाद में जल्द ही उसका ट्रांसफ़र होने की वजह से ये जो उसका मतलब उधर उसे ले जाना अधूरा रहा। तो जनाब हम बात कर रहे हैं हमारे दुबेर ख़ास के रिहायशी जनाब सैयद आफ के। नाजरीन, सैयद आफ दुबेर गांव दुबेर ख़ास में रहने वाला एक बंदा है जो कि पैदाइशी तौर पर गूंगा था। उसके बाद जंगल में किसी काम से जाते हुए वहां पर गिरने की वजह से वो मज़ीद माजूरी का शिकार हुआ है। उसके बाद हालात की सितमज़रेफ़ी की वजह से उसका एक बेटा था, क्या नाम था, सैयद रहमान, अच्छा सैयद रहमान नामी उसका एक बेटा था बड़ा, जो कि उसका घर का जो कमाई का सहारा था, वो तकरीबन 2013 में बाहर कहीं घर वालों का पेट पालने के लिए कमाई के लिए जाते हुए रास्ते में बदकिस्मती से हादसे का शिकार हुआ और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो उसका बेटा था सैयद बहादुर जनाब भाई का क्या नाम था, हाँ सैयद रहमान के बाद इसके घर का वाहिद कफील, वो भी कैंसर जैसी मौजी और मोहलिक मरज़ का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वो भी काम करने से रहा। तो उसके वालिद ने कैंसर आप लोगों को पता है कि उससे कम ही लोग बचते हैं, बस जो खुशकिस्मत होते हैं वो बचते हैं, तो और उस पर सरमाया भी बहुत सा लगता है। तो उसके वालिद के पास फूटी को कोड़ी तक नहीं थी, उसने लोगों से मांग कर लोगों के ज़कात लेकर लोगों के आगे झोली फैला के अपने बेटे का जो इलाज करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक उसकी जो बीमारी है वो कंट्रोल हो चुकी है। उसके अलावा सैयद बहादुर का कि एक बहन है तकरीबन 3 साल से इनके ही घर में पड़ी हुई, जिसकी कमर बदकिस्मती से टूट चुकी है, उसकी जो इलाज की जिम्मेदारी भी इसका वालिद ही उठा रहे हैं। इसके अलावा इसके वालिद को घर के खर्चे चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, हम पूछेंगे कैंसर जैसी मोहलिक मरज़ का शिकार जनाब सैयद बहादुर से, और उसे और मज़ीद आपके घर में मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या मुश्किल है उससे ही पूछना चाहेंगे। वो आपको मज़ीद अपनी जो हालात है उससे आगाह कोहिस्तानी ज़बान में करेंगे। सबसे पहला मैं जहाँ मरी आज 2013 में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तलेना बाद मैं बिहार डो शरीर ले सो दो चौ काल तो जागे थी। पाटू मेला शु कैंसर बीमारी रिंग के लिए तकरीबन जाला तो चौ जात खर्चा जागे एक रुपये हम डाल निभाल या खल कौन चांदा करे 6 रुपये आई ले मन में इलाज करते हुए जहाँ पाचो खर्चा तो मासूम आस स्वयं मासूम वाला हम सो रुपये बुला जमा करे खलक वन पर खलक है दी कौ जर दियास को पाशल पाचो हडम हम जो चांदा करे रुपये आली से रुपये स्वामय हम माजूर पैदा शी चाड़ा जंगल में उल्टे के लिए तसी घाल भाई ले जाना सैला बा कल्ला सो हम हुई चो जद माजू कम बम सुनिया रही था। अच्छा, भा खर्चा तो भा खर्चा भी मालो एक पुत खल कर दिया था तसे कर ज़कात मकात ज़कात बेकाता आता जो अच्छा करे। तो ज़ेली हुकूमत
बासर जो चका बासर शख्सियत तुसे उन्हें क्या अपील की तू मदद करी बस मैं मदद कर बस मैं। अच्छा नाजरीन, जैसा कि आपने सुना सैयद बहादुर ने मुख्तसरन अपनी जो सरगुजश्त है वो आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि आप लोग भी इसकी ये बातें सुनकर इसकी मतलब अपनी आखरत की संवारने के लिए इसकी मदद करेंगे और मज़ीद इसी तरह जितने जो मुस्तकीन है उनकी मदद के लिए कमर बस्त होंगे। शुक्रिया।